ट्वेल्थ कॉमर्स के स्टूडेंट हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेखांकन अनुपात मतलब अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जिसे हम इस वीडियो में सॉल्व करना समझने वाले हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी के बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये शिवलाल हायर सेकेंडरी की बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है, लेकिन ये एनसीईआरटी की बुक्स में भी है। मतलब आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं पढ़ रहे हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कौन सा है वो क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं, आते सीधे उस क्वेश्चन पर। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की। जो क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दिख रहा होगा, आप दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। निम्न सूचनाओं से इन्वेंट्री मतलब स्टॉक आवर्त अनुपात की गणना करनी है। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, तो इंग्लिश में असल में हम कैलकुलेट करने वाले हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जी हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालना है ये हम सीखने वाले हैं। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोला है हमें, खास करके तब जबकि आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हो, क्या क्या दे रखा हो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 16,000 दिया हुआ है, इसके अलावा एवरेज इन्वेंट्री आपको 2,20,000 रुपये दिया हुआ है और ग्रोस लॉस यहाँ पर दिया हुआ है 5%। तो आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि यदि ग्रोस लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ हो, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक एवरेज स्टॉक दिया हुआ हो और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल्स दिया हो, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये आप देख सकते हैं सीबीएसई का ये क्वेश्चन है, सीबीएसई 2016 के एग्जाम में भी आ चुका है। मतलब कि ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन पर और समझते हैं कि क्या कुछ करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन, जिसमें हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है। तो ये जिस मेथड को हमने यूज़ किया उसमें क्या किया हमने, जिस चीज़ को कैलकुलेट करना है सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो जैसे ही मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूँ, तो मुझे दिखाई देता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये मेरा फॉर्मूला है। तो मुझे दो चीज़ें चाहिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए, एक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरा है एवरेज इन्वेंट्री। तो देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं। तो जब आप क्वेश्चन को देखोगे, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, आप उसे देख लीजिए क्वेश्चन को, तो इसमें नेट सेल्स आपको दिया हुआ है किस रूप में, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के रूप में। और सेकेंड चीज़ जो दी हुई है वो दी हुई है आपका एवरेज इन्वेंट्री मतलब एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिख रहा। तीन ही चीज़ें दिख रही है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं दिख रहा। मतलब आपको अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना होगा। उसका फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स या फिर जिसे आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं, उसके साथ उसमें ग्रोस लॉस आपको जोड़ना होगा। जी हाँ, यहाँ समझने वाला बात क्या है, समझने वाली बात ये है, जब आपको क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट दिया होता है तो उसे आप नेट सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए, लेकिन जब ग्रोस लॉस दिया हो तो उसे प्लस करते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है, बचपन में मतलब मिडिल स्कूल्स में हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे क्रय मूल्य का, मतलब कॉस्ट प्राइस का। उसमें क्या करते थे हम, अगर लॉस हुआ हो तो सेल्स में लॉस को जोड़ते थे, प्रॉफिट हुआ हो तो सेल्स में लॉस प्रॉफिट को घटाते थे। तो हम लोग वही फंडा यहाँ यूज़ करने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर नेट सेल्स प्लस ग्रोस लॉस हो जाएगा, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट माइनस होता है तो जाहिर है ग्रोस लॉस जो है वो प्लस होगा। अब क्या करना है, अब ग्रोस लॉस कहाँ से आएगा, तो ग्रोस लॉस आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ग्रोस लॉस को हम लोग फाइंड कर लेंगे। आइए आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन में कहाँ पर ये जानकारी दी हुई। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कार्यकलापों से आगम मतलब कि इसी को आप सेल्स कहने वाले हैं, ये 16 लाख है, इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री 2,20,000 है, लेकिन सकल हानि 5% दिया हुआ है। तो समझने वाली बात यह है कि जो सकल हानि 5% कह रहा है वो इसी सेल्स पर कह रहा है, मतलब कार्यकलापों से आगम, जिसे इंग्लिश में आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे, इसी पर है ये 5%। तो इसीलिए हम इस 5% निकाल रहे हैं अपने,
तो बस आप 16 लाख पर 5% निकाल लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा लॉस। 16 लाख का 5% हमने निकाल लिया, लॉस कितना आ गया 80,000। अब क्योंकि हमें पता है कि अगर लॉस हमें पता हो, सेल्स हमें पता हो, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स प्लस ग्रोस लॉस। इसका यूज़ जब करते हैं आप, तो 16 लाख में 80,000 को आप जोड़ दोगे, 16 लाख में 80,000 को जोड़ोगे तो 16,80,000 रुपये या आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया आपका। जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जब हम अपना मेन फॉर्मूला यूज़ करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, जो हम ऊपर लिख चुके हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऊपर रहता है और नीचे रहता है एवरेज इन्वेंट्री, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 84/11। जी हाँ, 84/11। और जब इसको आप डिवाइड करोगे 11 से, तो फाइनली आपका 7.6366 आएगा। जब इसको आप राउंड फिगर करोगे तो 7.64 आंसर आ जाएगा। जी हाँ, 7.64 ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। मैंने थोड़ी सी पहले से सॉल्व करके रखा हुआ था और जल्दी जल्दी ये चीज़ें बताई आपको, ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और भी स्टूडेंट्स के साथ, परीक्षा नज़दीक है तो सिर्फ आपका भला ना हो, और भी बच्चों का भला हो सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराऊं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, टाइम पर पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।